हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक एम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे डिस्कस डेली करंट अफेयर एमसीक्यू ऑफ 12 सेप्टेम्बर। तो फ्रेंड्स, जदि आपण को करंट अफेयर्स भल लगुच निश्चित भाव में वीडियो टी को लाइक करेंगे, शेयर करूँ, आदि चैनल को नुआ तो निश्चित भाव सब्सक्राइब करूँ। तेज चलो देखिए आज कौन सब क्वेश्चन रही। आज फर्स्ट क्वेश्चन होगी, व्हिच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेंशन डे। तो वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेंशन डे यहाँ को सेलिब्रेट करा हुआ सेप्टेम्बर 10 रे। आ जानते हैं जो मैंने कौन सी प्रकार भी प्रेसर आसिक जो सुइसाइड करा हुआ कमेपाईटा सेलिब्रेट हो सेप्टेम्बर 10 रु। आर थीम अच्छे वर्ष क्रिएटिंग होप थ्रो एक्शन। आईटा को जो सेलिब्रेट कर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन गोटे अच्छे जोटा कि आमर इरविन रिंगल आउ डॉक्टर नॉर्मन फार्बेरो 1916 रे फाउंड करते 60 रे। तो आईएएसपी और आम जो WHO मिसिकी डेटा को सेलिब्रेट कर सेप्टेम्बर 10 को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हिसाब से। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT। तो जो इनकम टैक्स अपीलेट जो ट्रिब्यूनल अच्छे इनकम टैक्स सब जितकी भी सब तार मैं ग्राइवियंस था छपा सोजा को सल्व कर इनकम टैक्स तार प्रेसिडेंट भाव एवं क्या अपॉइंट कराई तो मन रही आपका नाम हो GS पानु जी की वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट भाव अच्छा प्रेसिडेंट भाव प्रमोशन होगा प्रमोट कराइला GS पानु को ये प्रेसिडेंट हो गले। ITAT फाउंडेड के 25 जनवरी 1941 फाउंड होती। सेमती अन्न्य जो ऑप्शन अच्छे देखते मिनी आपे ये रिसेंटली MD होती कार LIC रो MD भाव अपॉइंट रिसेंटली मिनी आपे रश्मि आर दास एटा बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। आमर यूनाइटेड नेशन जो टैक्स कमिटी अच्छी चाहिए 25 जन मेंबर अच्छा तो तारे इंडिया तरफ रु से टैक्स कमिटी रे ये रश्मि आर दास जाए जो मेंबर भाव अच्छा। श्याम श्रीनिवासन ये हूँ फेडराल बैंक MD CEO भाव अपॉइंट होती। फेडराल बैंक MD आउ CEO हूँ श्याम श्रीनिवास। हु हैज बी क्रिएटेड गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड फॉर मोस्ट गोल्स स्कोर्ड। तो चित्र देख जानपारे क्रिश्चियन रोनाल्डो ये जीति पूरा गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड है ना नारे फुटबॉल रे सबुठारु अधिक गोल रोनाल्डो नारे हेला सबुठारु अधिक कर माने ऑल टाइम जब भी फुटबॉल आरंभ हो तो एबे जाए रेकर्ड का ना थिला अली देई ना ये ईरान रे जने फुटबॉल थिले तो 109 गोल थिला इंटरनेशनल गोल। तो जहाँ एवं टपेकि टप है किए टप है क्रिश्चियन रोनाल्डो ये 111 गोल करदे तो ऑल टाइम सबुठार अधिक क्रिकेटर रही क्रिश्चियन रोनाल्डो ना कि दिन तेज़ सेकेंड नंबर में पहुँचे कि आम इंडिया रे सुनील छेत्री ये सेकेंड हाईएस्ट गोल स्कोरर अच्छा इंटरनेशनल रे लियोन मेसी की मध्य टपे थे। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ SBI रजनीश कुमार एज इकोनॉमिक एडवाइजर। तो रजनीश कुमार जी की SBI पूर्वतन चेयरपर्सन थे रिसेंटली जो आम गोटे बैंक अच्छी रिसेंटली गोटे बैंक थी आमर जहाँ नाँ हूँ HSBC हंगकंग सांघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन तार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भाव अपॉइंट कर रजनीश कुमार को एवं आउे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अच्छी तो से गवर्नमेंट तार इकोनॉमिक एडवाइजर भाव अपॉइंट करदे। तो आंध्र प्रदेश CM अच्छा YS जगनमोहन रेड्डी गवर्नर होती विश्वभूषण हरिचंदन। तो मन रखिए सेमती तमिलनाडु रिसेंटली गोटे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल सेटअप करते इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तमिलनाडु स्टेट होगा काउनसिलटा जहाँ कि आम पूर्वतर RBI गवर्नर अच्छा उर्जित पटेल अच्छा से रघुराम राजन अच्छा सहित अन्न्य इंटरनेशनल सब मैं आने की रखा हो इकोनॉमिस्ट जाए तो मन रखिए तमिलनाडु सेटा कर। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड भतन प्रेम योजना यटा को किए लॉन्च कर तो गुजरात लॉन्च कर गुजरात जितकी सब रूरल एरिया अच्छे से पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट वाटर कनेक्शन हो बेस्ट एजुकेशन हो अन्न्य जो रूरल डेवलपमेंट जितकी अच्छी स्मार्ट क्लास हम पाना से सब जगह भतन प्रेम योजना लॉन्च कर गुजरात सरकार भी इनॉग्रेट कर पब्लिकली भी फंड आस गवर्नमेंट फंड दब यहाँपे गुजरात CM अच्छा विजय रूपानी जी कि रिजाइन दे दी का रिजाइन देदे
आउ गुजरात रा गवर्नर होचंत आचार्य देवव्रत आउ सेंती मन रखी गुजरात किछ दिन तळे आउड मध्ये लॉन्च करथला एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम एग्रीकल्चर रु किंदे आउरी बढा जाई पेरियो टर्निंग माध्यम रे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम मध्ये गुजरात ही लॉन्च करथला सेंती महाराष्ट्र मन रखी महाराष्ट्र से गोटे साइंस सिटी गोटे करुच्ची आमर पूर्वतन प्रधानमंत्री राजीव गांधी नाँ से साइंस सिटी गोटे करुच्ची गोटे पुणे पाखे आमती जो आसाम अच्छी ओरांग नेशनल पार्क पूर्वर जार ना थिला राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क तो से राजीव गांधी नाँटा को हटे देवा आसाम सरकार डिक्लेयर कर व्हिच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2023 फर द फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट टाइम पे 2023 G20 होस्ट कर इंडिया इंडिया पूर्व के होस्ट करनी तो फर्स्ट टाइम पे होस्ट कर सहित से इंडिया जो G20 समिट हम 2023 आमर जी की यूनियन मिनिस्टर अच्छा कमर्स और इंडस्ट्री पीयूष गोयल तो आपको अपॉइंट कराई शेरपा भाव में अर्थ ये जो G20 समिटा हम आर सब एवं जी भी तार पूर्व से मीट पूर्व जहाँ भी सब हम से सब सब तदारख करिए पीयूष गोयल एट 18th G20 समिट हम जोटा कि इंडिया हम ए वर्ष जो होता है G20 समिट कौटे होता है इटाली रोम रही था 2022 प्रत वर्ष होता है कौटे इंडोनेशिया हम इंडोनेशिया बली नामक स्थान हम 2022 G20 समिट और 2023 इंडिया हम सेमती ए वर्ष जो G7 समिट होता है कौटे होता है यूके होता कारबिस बे नामक जगार इन ह्विच सिटी इंडियाज टलेस्ट एयर प्यूरीफायर टावर इनस्टॉल्ड तो इंडिया सब टलेस्ट एयर प्यूरीफायर टावर यटा को इनस्टॉल रिसेंटली कराई चंडीगढ़ यूनियन टेरिटोरी आर जो हाइट कथ कह मात्र 24 फिट हाइट ये 24 मीटर हाइट जोटा कि इंडिया सब टलेस्ट आर के मानने पखापाखि 500 मीटर एरिया रेडियस इतनी मानने रेडियस भितर जगह जगह सब ये कभर करदे टावरटा हाइट हूँ यार 24 मीटर चंडीगढ़ तो पंजाब अधीन ही जा पंजाब जी गवर्नर थे से चंडीगढ़ को मानने शासन करेंगे तो रिसेंटली पंजाब न्यू गवर्नर ही आप कमेंट सेक्शन में जनातु जो पंजाब गवर्नर किए नुआर ही बेबीराणी मौर्या थे सरी पंजाब नुआर ए गवर्नर किए जनातु सीटा उत्तराखंड गवर्नर जी बेबीराणी मौर्या थे किसी दिन तेज़े रिजाइन दे दे सेमती दिल्ली में मन रखिए जोटा कि इंडिया फास्ट होता स्मोक टावर होता फास्ट स्मोक टावर जोटा कि एयर रे जो पल्यूटेंट पार्टिकल रोचे अलग करने दिल्ली रे सीएम अरविंद केजरीवाल जी इनग्रेट करते तो आप कमेंट सेक्शन में जनातु जो पंजाब गवर्नर किए अच्छे ह्विच मिनिस्टर इनग्रेटेड प्राण पोर्टाल तो प्राण मैंने प्रथम कौन जान दिंतु पोर्टाल फर रेगुलेसन अफ एयर पल्यूसन इन नन अटेनमेंट सिटीज जोटा कि 132 सिटीज टोटाल की यहाँ को निहाई अंडर में प्राण पोर्टाल जो कराई तो यहाँ को एयर पल्यूसन जो रेगुलेसन किन करपाई पोर्टालटा लंच होटा को आम रूराल डेवलपमेंट जो मिनिस्टर अच्छा रूराल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेन्द्र यादव ये यहाँ को लंच कर मन रखिए भूपेन्द्र यादव यहाँ को सरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर होती भूपेन्द्र यादव ये यहाँ को लंच कर आ किदिन तले ये ई श्रम पोर्टाल लॉन्च करते ई श्रम पोर्टाल जो मैंने कि श्रमिक मानी सर्बानंद सोनवाल हो आयुष मिनिस्टर आमर ता सहित मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवे शिपिंग पोर्ट से मिनिस्टर अच्छा रिसेंटली आयुष आप के द्वार ये लॉन्च होता आयुष आप के द्वार आयुर्वेदिक मेडिसिन ऊपर यहाँ यटा को आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनवाल यू लंच करते स्मृति ईरानी होती आम जानते वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर आई रिसेंटली इनॉग्रेट करते न्यूट्री गार्डन गच्छ लगे थे सब मुख्यतः मेडिसिनल प्लांट सब न्यूट्री गार्डन राजनाथ सिंह हो डिफेन्स मिनिस्टर आए जो आम नेशनल आर्मी इंस्टीट्यूट अच्छी आमर ताक नीरज चोप्रा इंस्टीट्यूट भाव में नामित करदे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह व्हाट इज जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर इंडिया बाय S&P ग्लोबल रेटिंग्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 तो फाइनेंशियल 2022 2021 2022 जो ईयर अच्छी तहरी इंडिया जीडीपी के S&P जो ग्लोबल रेटिंग आई
तो यहाँ तो इंडिया रे इंडिया रेटिंग एजेंसी टा तो ये कही 9.5% आर्थिक वर्ष 2022 रे आउ 2023 रे केत रही कही तो 7% रही कही आर्थिक वर्ष 2023 रे 7% रही कही सेमती रिसेंटली आहरी मध्ये किछि जीडीपी प्रोजेक्शन हेतिला जिनि हमर कही जो आम मूडीज एजेंसी अच्छे न्यूयॉर्क रे इंपोर्टेंट एटा मूडीज एजेंसी कही 9.6% रहिबो किंतु ये फाइनेंशियल ईयर को ध्यान ये धरछि कैलेंडर ईयर को कैलेंडर ईयर 2021 जनवरी रु डिसेंबर फाइनेंशियल ईयर कहले एप्रिल आरंभ हो नेक्स्ट वर्षर मार्च रे सरजियो मार्च 31 रे सरजियो तो कैलेंडर ईयर 2021 रे इंडिया रे जीडीपी रहिबो 9.6 रहिबो बोली कही मूडीज एजेंसी सेमती 2022 रे केत रहिबो कही 7% रहिबो कही कि मूडीज एजेंसी सेमती इंड्रा गोटे अच्छे इंडिया रिसर्च इंड्रा ये कही के 9.4% रुहजारईस आर्थिक वर्ष तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर यहाँ हूँ आम कैलेंडर ईयर तो यह मन रखिए हु रोट ए बुक टाइटल्ड गीता गोविंद जयदेव्स डिवाइन ओडिसे तो गीता गोविंद जयदेव्स डिवाइन ओडिसे यहाँ को किए लिखिंटे रिसेंटली लिखी तो यहाँ को लिखिं मन रखिए डॉक्टर उत्पल के बनर्जी उत्पल के बनर्जी को लिखिंट आउ हिस्ट्री रोटे आड़ को लॉन्च किए कर कल्चर मिनिस्टर अच्छा जी किसान रेड्डी लॉन्च कर गीता गोविंद जो बुकटा ये आम आंसियंट बुक अच्छी जोटा को लिखी थे जयदेव जयदेव जन कवि थे सी लिखिं गीता गोविंद ये पढ़ु एग्जाम जयदेव लिखी थे तो ताकूक ट्रांसलेट कर लिखिंट डॉक्टर उत्पल के बनर्जी और लॉन्च करते हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर किसान रेड्डी जी किसान रेड्डी ता सहित ये बुजुर्गों की बात देश के साथ ये लॉन्च करते किसान रेड्डी जहाद्वारा आम जी भी सब वयस्क लोक अच्छा मैंने 95 इयर्स एबव अच्छा मैंने मैंने साथी रही हेल्प कराब से कारण से कहे जो आम जो मैं 95 इयर ही थी तार्थ से स्वाधीनता पूर्व से 15 वर्ष मैंने बच्चे इंडिया तो से उद्देश्य कि स्पेशल करने को लॉन्च कराई सहित रिसेंटली तमन्ना भाटिया गोटे बुक आसा से लिखी थे बैक टू द रूट्स बैक टू द रूट्स अर्थात जो आयुर्वेदिक पूरा से मेडिसिन से लिखिंट आयुर्वेदिक पूर्व को जी बा पूर्व जिनस आपणा ता विषय लिखिंट विश्राम भेदेका ये लिखिंट रिसेंटली बैटल फील्ड लिखिं विश्राम भेदेका तो फ्रेंड्स आज ये पुणी देखा आगामी भिडियो जब भिडियो भल लगे निश्चित भाव लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते।